केस काफी काफी पावरफुल हो गया है आपके हाथ में अब, क्योंकि उल्टे को उल्टी की मार पड़ गई है। देखिए केस तो खैर हमेशा से कुछ था ही नहीं, तो मेरे हक में होना या ना होना तो मतलब केस तो कुछ था ही नहीं। तो जो अगर केस मेरे हक में तब होता जब मैंने कुछ किया होता तो, और जिससे कि मैं बच रहा होता, और आज जो चीज़ हुई है वो कुछ चीज़ हुई है वो कुछ अब नॉर्मल सी हुई है। आप ये समझिए ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जो मैंने उस लड़की के बारे में पहले स्टेटमेंट दिए हैं कि जो आज आज भी, जैसे कई लोगों ने राइटअप लिखे हैं या कुछ लोग बता रहे थे कि वो एक्ट्रेस हैं, वो 22 साल की हैं, ऐसा है वैसा है, मैं वाई यू एम सेइंग ऑल दिस कि मैं अभी भी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी भी लोगों को पता चल रहा है वो बहुत झूठ है। ना तो किसी तरह की एक्ट्रेस हैं, ना कोई अपस्टार मतलब मॉडल हैं, ना किसी तरीके से वो 22-23 साल की हैं, दो बच्चों की माँ हैं, और मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं एक बच्चा 11 साल का और दूसरी लड़की कुछ 12-13 साल की है। मतलब कि जितनी भी चीज़ें जो अभी तक बताई गई हैं मीडिया में वो सब झूठ हैं, और उन झूठों के साथ अब आप देखते जा रहे हैं कि एक एक झूठ सामने आते जाएगा। जो मैं बोल रहा था कि मैं कोशिश करूँगा बताने के लिए, क्योंकि मैं अभी ओपनली आप लोगों को बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा केस चल रहा है, कानूनी तौर पर मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट आप देख लीजिए कि मेरा लक ऐसा है या वो उनकी हरकतें जो हैं वो इतनी घटिया पहले से ही रही हैं। वो जो मुझे भी उन्होंने फंसाया है ना, वो एक इतनी गंदी हरकत में फंसाया है, क्योंकि उनका काम ही इस तरह का कुछ है जो मैं ओपनली नहीं बोलना चाहता हूँ आज भी। बट आप जैसे ये बड़ा शॉक लग रहा होगा कि इंदर कुमार आए हुए महीना डेढ़ महीना बाहर हुआ है, और जिसने इंदर कुमार को अंदर भेजा था वो खुद अंदर चली गई हैं। और इमेजिन कीजिए कि किसी दुनिया ने नहीं, उनकी खुद की बहन ने, सगी बहन ने उनको जेल भिजवाया है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि वो इंसान किस तरीके का इंसान होगा जो अपना घर, अपनी सगी बहन का मतलब अपने खून के रिश्ते को भी बर्बाद करने को नहीं छोड़ सकता है। तो मेरे जैसे आदमी सेलिब्रिटी को या एक आम आदमी को बर्बाद करने में उस इंसान को ज़रा भी दुख नहीं होगा। मैं हमेशा ये सोचता था कि लोगों को जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, तो लोग बोलते होंगे यार कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई लड़की क्या पागल हो गई है जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वाकई ये जो सीन है बहुत ही गंदा सीन है। एंड जो वो बैकग्राउंड है उस लड़की का, या जो मतलब जहाँ से मतलब ये सब चीज़ें मतलब पैदा हुई हैं मेरे बारे में, जो केसेस हुए हैं, केस बनाया गया या बनाया गया, वो इमेजिन कर सकते हैं आप कि वो इतना घटिया लेवल का मतलब उनकी सोच है, जो कि आज आप लोग को एक शॉक लग रहा होगा कि अरे यार ये कैसी लड़की है, अपने बहन के घर में चोरी कर ली और आज जेल के अंदर है, कल तो इतना सब इनोसेंटली बता रही थी। सो अब ये शॉक में नहीं, मैं मेरे लिए शॉक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने जो अब जेल जब गया, जब मुझे पता चला, जो मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई, मुझे उनके बैकग्राउंड के बारे में पता चला, तो मुझे ये शॉकिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज इस केस में जाएंगी तो कल किसी और केस में जाएंगी, क्योंकि उनकी हरकतें, उनकी हैबिट्स और उनका काम, उनका मतलब जो भी है वो सब कुछ इतना बुरा है कि एक एक करके वो सब मतलब खुलने वाला है 100%। मैं कोशिश करने से पहले ये देख सकते हैं कि आप आज सब आपके सामने सबसे पहले आ गया। देखिए एक सिंपल सी बात इतना ही बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के साथ जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, और एक आम इंसान के साथ ये चीज़ होना, जो मैं हमेशा मतलब कहना चाह रहा था, जो मैं निकलने के बाद भी मैंने कहा कि यार एक इंसान को मतलब चोरी चकारी मतलब मारपीट मतलब इन सब इल्ज़ामों में अगर वो जेल काट के आए ना तब भी चलता है, पर ये रेप जिस जो एक वर्ड है ना इतना घिनौना है, मैं ख़ुद इस चीज़ से इतनी नफरत करता हूँ, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इट्स सो पैथेटिक। और किसी इंसान ने मुझे इसी चार्ज पे मुझे जेल भेजा, मेरे जेल जाना या जेल काटना मेरे लिए वो उतना मतलब बड़ी बात नहीं थी, मतलब मेरे को खुद को अपने आप को फेस करना कि यह शिट मतलब मैं इतने गंदे इल्ज़ाम में और इतनी घटिया चीज़, मतलब आप किसी की ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं यार। आप किसी भी अगर कुछ भी खुंदक निकालते हैं या आप पैसे के लिए कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ कोई रहम कीजिए किसी की ज़िंदगी पे। आज मुझ पर लोग उंगली उठाते थे यार कि क्या लड़का है, क्या लड़का है, क्या लड़का है और कैसी गंदी हरकत की है। तो मैं आज उनको सबको बताना चाहता हूँ कि हरकत मैंने इतनी सी भी नहीं की, जो मैं गुहार जो मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बता रहा था पहले कि मैंने कुछ किया ही नहीं है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और जितना भी वो किया गया है
वो उस लड़की की हरकतों की वजह से ही, मतलब कि जो उनकी मतलब मेंटालिटी है और जो उनका मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उस तहत वो आज ख़ुद भी फंसी हैं और उन्होंने मुझ पे भी जो चार्जेस लगाए थे, जो इल्ज़ाम लगाए थे, वो सब उनका मतलब एक बहुत बड़ा मेंटली ब्लॉकअप है। इंदर जी, आप उनकी जो बहन बताई जा रही है जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कल, उनके बहन ने भी आपके FIR में एक स्टेटमेंट दिया था, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ना तो मैं उस बहन को मिला था, ना मैं जानता था किसी को, हार्डली इस लड़की को कुछ 10-12 दिन के लिए जानता था, जिसमें कुछ 2-3 बार में उससे मिला था। और जैसे कि यही इसी बहन ने उसका साथ दे के आगे पुलिस स्टेशन में बोला था कि मुझे भी जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मेरी बहन ने मतलब रेप होना अलाउ किया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो बहन कितनी सच्ची होगी पहले और कितनी ईमानदार होगी। मगर आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जस्ट इमेजिन कि जब आज उन पे बीती तो उन्होंने अपनी सगी बहन को जेल भिजवा दिया, बट मुझे जेल भिजवाने से पहले उस लड़की ने एक बार नहीं सोचा कि मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, मेरी एक बहन की गंदी हरकत मतलब गलत हरकत में साथ दे रही हूँ। और जब आज उनके साथ खुद जब उनकी बहन ने ऐसा किया तो उनको कितना बुरा लग रहा है। बट मेरी ज़िंदगी बर्बाद करते समय उस औरत ने, वो क्या नाम है उनका मैं नाम ही नहीं जानता हूँ, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, बट आज जब आप पे बीत रही है तो आपको कितना गंदा लग रहा है जो आप अपनी बहन को ही नहीं छोड़ रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आपके साथ बीत रही है तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके झूठे इल्ज़ामों के साथ मेरे साथ क्या बीती होगी और मेरे परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। इतना बड़ा मानहानि का मसला हो गया है, आप अब क्या स्टेप लेने वाले हैं? देखिए, जब मैं जेल से बेल से बाहर आया था तो मैंने सबसे पहले बताया था कि मेरा कोई केस नहीं था। अगर मेरा केस होता तो सबसे पहले सब जानते हैं कि मुझे बेल नहीं मिलती। मुझे बेल भी जल्दी मिल जाती मगर कुछ वेकेशन चल रहे थे, इसकी वजह से मुझे कुछ 40 दिन जेल में काटने पड़े थे। मगर मेरी एक बारी सुनवाई में मुझे बेल मिल गई थी, क्योंकि मेरा केस पूरा फॉल्स था। मेरी FIR में इतनी लूपहोल्स थी, इतनी झूठ बातें थी, जो कि जज साहब को समझ में आया, उन्होंने मतलब तुरंत मुझे रिहा किया। एंड उसके बाद मैंने आपको आगे बताया था कि मुझे बेल से बाहर आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा आधा केस तो ख़त्म ही हो चुका है। और आज आपके सामने ये सब बातें जब आ रही हैं कि उस तरह का वो लड़की का कैरेक्टर है, और जब ये कानूनी तौर से जब बेंच में जाएगा, जब मेरा केस स्टार्ट होगा, तो ये सब बातें जब उनको समझ में आएंगी, मतलब दिखाई जाएंगी कि जो लड़की का कैरेक्टर ये है, मतलब ये तो मतलब बहुत ही अपसेटिंग है। मतलब कि अगर वो कहीं दूसरे घर में चोरी करती या कहीं और चोरी करती तो समझ में आता, मतलब उन्होंने लिटरली अपनी बहन के घर में, जिस बहन ने उन्हें पनाह दी, जिस बहन ने उनको खाना खिलाया, कुछ दिनों के लिए रखा अपने घर पे, उसी बहन को उन्होंने नहीं छोड़ा और उनके साथ इतना बुरा किया। तो वो इमेजिन करिए कि मेरे केस के लिए वो कितना ईजी होने वाला है। और जब वो ईजी होने वाला है तो डेफिनेटली मेरा सब तो वाइंड अप होने वाला है, मगर वाइंड अप होने के बाद जो कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरी जो ज़िंदगी की आगे की जो लड़ाई है, वो मैं सबको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मेरा अब फिल्मी करियर फिर से शुरू हो गया है। क्योंकि आज जो मैं शूटिंग कर रहा हूँ, एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, एंड आई एम प्लेइंग अ मेन लीड इन द फिल्म। फिल्म का नाम है फटी पड़ी है यार, डायरेक्टेड बाय प्रेम गिद्दानी, और एक इट्स अ वेरी यूनिक फिल्म। जैसे मैं बता रहा हूँ, अपने नाम ही एक अपने आप में यूनिक है, एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म। और मेरी ज़िंदगी तो शुरू हो ही चुकी है, मगर इसके साथ जो मेरी ज़िंदगी है, मैंने अपने बुरे वक्त में मतलब बुरा वक्त देखा है, और जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा सेटबैक लगा है मेरी लाइफ को, मैं एक एक चीज़ का मतलब कानूनी तौर पे इनका एक एक चीज़ का मुझे, मैं तो यही चाहूँगा कि लॉ मैं जानता हूँ अपने लॉ, और दुनिया के किसी में लॉ में किसी के साथ अगर इतना बुरा होगा तो कानून ज़रूर मेरा साथ देगा। और जितना बुरा इन्होंने मेरे साथ किया है कानूनी तौर पे, मैं इनके साथ उतना ही बुरा करने वाला हूँ, और मुझे इंसाफ मिलेगा, और उस इंसाफ की इन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, वो फॉर श्योर है। सर, अब जैसे आप सिंपल बात समझ सकते हैं कि वो मतलब पैसे की, मतलब एक चोरी इंसान करता तो डेफिनेटली पैसे के लिए, या एक अच्छा इंसान करता, मतलब देखिए हर किसी का एक अपना सीन होता है, मगर इनका डेफिनेटली जो सीन है वो पैसे का ही है। और बहन के घर चोरी की, वो भी पैसों के लिए की है, और जो मुझे ट्रैप किया गया था, मुझे फंसाया गया था, मैं अभी आप लोग आपके सामने ओपनली नहीं बोलना चाहता हूँ, बट इन अ टाइम यू विल गेट टू नो कि ये क्या था क्या नहीं था, एंड इट्स फॉर श्योर कि आपके सामने अब तो बहुत जल्द आने वाला है सब कुछ। इंदर जी, आप
अगर आपको उसे कुछ मैसेज देना होगा तो आप उसे क्या बोलेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ, मैं सबको देना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट प्ले विद एनीबडीज लाइफ। आज उस लड़की ने भले ही पैसे के लिए किया है या खुंदक के लिए किया है या किसी के कहने पे किया है, यू तो डेफिनेटली गोना पे फॉर इट। एंड यही नहीं, और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो जो लोग इसमें जिन्होंने उसका साथ दिया है, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि डेफिनेटली इसके पीछे मुझे बहुत मालूम है एक अच्छा खासा एक सपोर्ट और रैकेट वाला जो सपोर्ट होता है। कि ईमानदार लोग होते तो डेफिनेटली बोलते हैं यार क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, डेफिनेटली वो रॉन्ग माइंडेड और मतलब घटिया इंसान ही हो सकते हैं जिन्होंने ये सब बारे में सोच के किसी की मदद की होगी और मुझे फंसाया है। वो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आई विल मेक श्योर दे विल पे फॉर दिस। और जैसे आपने बताया कि आप कोई फिल्म की शूट कर रहे हैं अभी, फटी पड़ी है यार, तो आपको एक बात पूछना चाहूंगी। जैसे अभी सब तरफ बातें बोली जा रही है कि बिग बॉस के लिए इंद्र कुमार अगर बुलाया जाए, अगर आपको कॉल किया जाए, तो आप बिग बॉस में जाना पसंद करोगे? सी, मैं बिग बॉस के बारे में डेफिनेटली इस समय कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर मुझे कॉल आता है और इफ इट्स मतलब मुझे लगता है कि मुझे अच्छा, मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं डेफिनेटली करूँगा। और मैं कोई फुटेज के लिए या मैं अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए बिग बॉस नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक गेम की तरह जाना चाहता हूँ। जो इनोसेंस दिखानी थी या समझानी थी वो तो आपको एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ ही रही है, उसके लिए मुझे बिग बॉस की ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेटली हाँ, बिग बॉस इज़ अ स्टेज वेयर जो मेरी लाइफ को एक सेटबैक लगा है, अगर मैं बिग बॉस में जाता हूँ डेफिनेटली मुझे एक पुश मिलेगा वहाँ से, और एक मेरे को अच्छा स्टेज मिलेगा जहाँ पर मैं अपने आप को एक अच्छी तरह से पेश कर सकूँगा, एक डिफरेंट फॉर्मेट में दिखा सकूँगा कि भाई दिस इज़ व्हाट इंद्र कुमार इज़ ऑल अबाउट। We'll be right back.